अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल है जे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अहम है। इस वीडियो में आपको मैं स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट के बारे में बताऊंगा। बेसिकली अपने स्टार डेल्टा कंट्रोल सर्किट को ये देख लें, ये इसकी जो ड्राइंग होती है, बेसिकली ये ड्राइंग है स्टार डेल्टा का। और मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो होते हैं वो इस तरीके से कॉन्टेक्टर के साथ जो कनेक्शन करते हैं दोस्तों, ये जो कन्फ्यूज़न है ये किस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ तो देख के आप समझ गए लेकिन यहाँ करने में परेशानी होती है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नहायत ही आसान तरीके से कि आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर दोस्तों आप नए हैं मेरे चैनल में और तो वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखें, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में बताऊं मैं आपको कि ये 13 और 14 ये नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं इसके कॉन्टैक्टर के, और ये दो पॉइंट जो होते हैं ये क्लोज के होते हैं 21 और 22। ठीक है दोस्तों, ये 21 और 22 क्लोज है, ये 13 और 14 ये नॉर्मली ओपन है, और ये तीन पॉइंट जो होते हैं ये पावर के। तो हमने इस पावर पॉइंट को तो स्किप कर देना है विपगत, क्योंकि हमने सिर्फ कंट्रोल करके दिखाना है आपको। सही है दोस्तों, ये टाइमर है हमारे पास, 8 पिन का टाइमर है दोस्तों। ये तीन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ होते हैं स्टार डेल्टा के अंदर। तो ये मैं टाइमर का भी डिसमंडल कर देता हूँ सॉकेट से, ताकि मैं कनेक्शन करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये सबसे पहले ये पुश ऑफ स्विच है दोस्तों, ये देखिए एक वायर को आपने लेना है, पुश ऑफ पे लगाना सबसे पहले। ये मैंने सर्किट ब्रेकर और ओवर लोड को स्किप कर दिया ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ये मैंने देखा दोस्तों पुश ऑफ के ये एक पॉइंट पे मैंने एक तार ये लगा दिया, ये आपको देख लें। ये दूसरे पॉइंट पे, ये दूसरे पॉइंट पे देख लें दोस्तों, यहाँ से दो आ रहा है, एक पुश ऑन पे जा रहा है, एक कॉन्टेक्टर पर आ रहा है। ठीक है, ये देखें मैं पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट पर मैं ये दो वायर लगा रहा हूँ, ये देख लें दोस्तों। इसको भी नया की तवज्जा के साथ देखें ताकि आप जब कनेक्शन कर रहे हैं तो आपसे कोई गलती ना हो। ये पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट पे आपने दो वायर को लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये दो वायर लगा दिए आपने। ये जो सिंगल वायर है दोस्तों ये देख लें, ये सिंगल वायर ये पुश एक सिंगल वायर ये पुश ऑन पे आ जाएगा। ये देख लें, ये पुश ऑन स्विच है हमारे पास ग्रीन, ये हमने इसको पुश ऑन पे लगाना है। ये पुश ऑन पे लगा दिया दोस्तों, और ये पुश ऑफ से जो दूसरा पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये पहला जो हमारा मेन कॉन्टैक्ट है, ये जो मेन कॉन्टैक्ट है मैंने इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से रखा जिस तरह ड्राइंग दिखाया है, ये इसका 13 नंबर पॉइंट पे आएगा दोस्तों। ये देखें, मैं ये 13 नंबर पॉइंट पर लगा रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लें, मैंने पॉइंट 13 नंबर पॉइंट पर लगा दिया इसको। ठीक है दोस्तों, ये 13 पर लगा दिया। अब आप देखें ये पुश ऑन से जो आएगा ये दोस्तों, ये एक डेल्टा C2 के क्लोज पे जाएगा और स्टार के 13-14 नंबर ओपन पे आएगा। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूँ यहाँ से, ये लगा रहा हूँ इस पर, ये पुश ऑन पे, ये पुश ऑन के दूसरा पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ, पुश ऑन है इसके दूसरे पॉइंट पे ये तार लगा रहा हूँ। ये देख लें हम गौर से, ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने ये पुश ऑन पे लगा दिया। अब पुश ऑन पे लगाने के बाद ये जो तार आ, ये जो वायर है दोस्तों, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर के नॉर्मली क्लोज पे जाएगा। मैंने क्लोज बताया था आपको कि ये दो पॉइंट क्लोज है। ठीक है, ये मैं क्लोज के एक पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ये देख लें, ये नॉर्मली क्लोज पर मैंने एक पॉइंट पर लगा दिया इसको। ठीक है, क्लोज पर लगा दिया, और एक पॉइंट देख लें दोस्तों, इसका नॉर्मली ओपन पर आ रहा है, ये एक पॉइंट मैंने इसके नॉर्मली ओपन पे स्टार के लगा दिया C3 के कॉन्टेक्टर के। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये पुश ऑन से, ये पुश ऑन से एक तार आया, ये मैंने डेल्टा के
क्लोज पे लगाया और दूसरा मैंने स्टार के ओपन पे लगाया, ये C3 के ओपन पे लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो दोस्तों, मैं स्टार से दो पॉइंट ले रहा हूँ, नॉर्मली क्लोज से, नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन से, देखिए दो वायर जो है नॉर्मली ओपन पे और क्लोज पे लगाऊंगा। ये मैं इसके क्लोज पे लगा रहा हूँ, कनेक्शन को आप ध्यान से नोट करें ताकि आप जब कनेक्शन करें तो आसानी से कर सकें। ये देख लें दोस्तों, ये मैं क्लोज पे लगा, ये ओपन पे लगा दिया, क्लोज पे लगाया, जैसे कि ड्राइंग में दिखाया मैंने। ठीक है दोस्तों, और ये देख लें, एक क्लोज पे एक ओपन पे लगाया। ये टाइमर के, चूँकि मैंने बताया आपको दोस्तों कि 2 और 7 नंबर जो है ये कॉइल के होते हैं, कॉइल के, ये देख लें यहीं से ये टाइमर के कॉइल पे जा रही है वायर, ये एक टाइमर के कॉइल पे मैं लगाऊंगा, ये 7 नंबर पे। ये टाइमर के मैंने 2 नंबर पे लगाया, सॉरी 2 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर पे मैंने न्यूट्रल लगाया हुआ है इसका, ठीक है दोस्तों। ये देख लिया मैंने टाइमर के, ये जो पॉइंट दिखाया 2, ये 2 नंबर पे लगाया, और दूसरा ताल जो है दोस्तों ये देख लें, ये जो तार है दोस्तों ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के 14 नंबर पिन पे आएगा। ये देख लें, ये 14 नंबर पिन पे आया, ये 14 नंबर पे, ठीक है दोस्तों, ये 14 नंबर पे, और दूसरा जो है इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे आएगा। ये देखिए मैं दूसरा पॉइंट इसके कॉइल पे लगा रहा हूँ, ये कॉइल है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने कॉइल पे लगा दिया इसके, इस पॉइंट पे। अब दोस्तों कर दिया, हाँ दोस्तों ये देख लें, ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर के दोस्तों, ये मैंने चूँकि ये ओपन पे लगाया था 22 पे, और 21 नंबर चूँकि इसका ओपन है, ये देख लें क्लोज कॉन्ट्रैक्टर के जो है ये 21 नंबर ओपन है, 21 नंबर पे मैं एक तार लगाऊंगा, ये एक तार लगाऊंगा दोस्तों, ये देख लें 21 पे, ये देखिए दोस्तों 21 पे लगाया मैंने एक तार, 21 से एक, ये देखें डेल्टा के कॉइल पे आएगा दोस्तों, डेल्टा के कॉइल पे आएगा, और इंडिकेटर लाइट है, ये हमारा इंडिकेटर लाइट है, इस लाइट पे आएगा। ये देख लें दोस्तों, ये लाइट और इंडिकेटर का दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ मिलाया, इसके साथ ये चला जाएगा हमारा डेल्टा के कॉइल पर, ठीक है दोस्तों। ये डेल्टा के कॉइल पर मैं लगा रहा हूँ, ये देखें गौर से देख लें, ये देख लें दोस्तों, डेल्टा को कॉइल पे लगाया और ये इंडिकेटर लाइट पे चला गया हमारा, ठीक है। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब अ
अब हमारे पास एक पॉइंट जो है वो अभी खाली है, ये इस पॉइंट से इसके डेल्टा के नॉर्मली 21 नंबर पॉइंट से लेके हमने ये टाइमर के 8 नंबर नॉर्मली ये कॉमन कॉन्टेक्ट है, कॉमन कॉन्टेक्ट पे देना है हमने। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये कॉमन कॉन्टेक्ट पे हमने देना है। ये C2 कॉन्टेक्ट है, ये C2 कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के 21 नंबर से लेके हमने ये टाइमर को कॉमन पे देना है। ये देखें टाइमर को कॉमन पे मैं दे रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, टाइमर को कॉमन ये 8 नंबर पॉइंट पे मैं दे रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, ये टाइमर को 8 नंबर पे दे दिया। अब टाइमर के 5 नंबर चूँकि नॉर्मली क्लोज है, इस क्लोज से हमने स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल पे देना है। ये देख लें दोस्तों, ये 5 नंबर पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ, 5 नंबर पॉइंट पे लगाया मैंने इसको, ये 5 नंबर पॉइंट पे लगा के ये मैंने अब स्टार के कॉइल पे दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल तफसील के साथ मैंने बताया आपको, आपने देख लिया समझ लिया इसको। ये हमारा पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल मैंने पहले ही से, ये न्यूट्रल मैंने तमाम कॉयलों पे मैंने देख लिया, ये पहले से मैंने कनेक्शन किया हुआ है न्यूट्रल, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए दोस्तों। ये देख लिया मैंने, ये लैंप को भी न्यूट्रल दिया हुआ है, तमाम कॉन्ट्रेक्टरों को भी, या टाइमर को भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं टाइमर को इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ ताकि मैं इसको अपडेट करके दिखाऊँ आपको। कनेक्शन मैंने बिल्कुल नहायत ही आसान सिंपल तरीके से बताया आपको, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ये देखो दोस्तों, ये सप्लाई है मेरे पास, ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ये न्यूट्रल मैं ब्लैक पे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये पॉजिटिव एल जो है मैंने ये देख लें, ये स्विच ऑफ पे दे रहा हूँ। ठीक है, स्विच ऑफ है ये। ये देख लें दोस्तों, ये पुश ऑफ और पुश ऑन मेरे हाथ में है। अब अभी देख लीजिएगा, ये कॉन्टेक्टर सबसे पहले ये ऑन होगा, फिर ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा मेन। ठीक है, ये देखिए, ये देख ले दोस्तों, ये दो कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है हमारा, स्टार और ये मेन। और देख लीजिए टाइमर भी ऑन है दोस्तों, अब देख सकते हैं ये टाइमर भी हमारा ऑन है। ये टाइमर जब टाइम पूरा करेगा, मैंने 10 सेकेंड रखा है, तो देखिएगा दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर ऑफ होगा, स्टार ये डेल्टा को ऑन कर देगा। ये देखें दोस्तों, ये डेल्टा को इसने ऑन कर दिया, मेन चूँकि ऑन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये देख लें, ये इंडिकेशन लाइट को भी इसने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको एक दफ़ा। ये देखें, मैंने ऑफ़ कर दिया, ये सब तीनों कॉन्ट्रेक्टर इस टाइम ऑफ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों कॉन्ट्रेक्टर को आप देख लें, तीनों कॉन्ट्रेक्टर जो है हमारा ऑफ है। अब मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ एक दफ़ा, फिर आप चेक करके देखें इसको। ये देखें, पुश ऑन को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें दोस्तों, मेन और स्टार हमारा ऑन है, ये मेन और ये स्टार हमारा ऑन है, ये टाइमर भी ऑन है, ये इंडिकेशन अभी ऑफ है, डेल्टा के साथ ही ऑन होगा ये। ये जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा, देख ले दोस्तों, ये स्टार ऑफ हो गया हमारा, ये डेल्टा हमारा ऑन है, और डेल्टा के साथ हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन है। ये टाइम चूँकि आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अब मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। टाइम अगर कम करेंगे दोस्तों, तो जल्दी ऑन हो जाएगा, देख लें दोस्तों, फ़ौरन ही ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके लिए कम से कम 15 सेकंड रखते हैं इसको, मैं चूँकि 8 सेकंड रख के आपको चेक कराता हूँ। ये देख लें दोस्तों, पहले ये कॉन्ट्रेक्टर और ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया, एक दफ़ा और देख लें, ये दो कॉन्ट्रेक्टर ऑन है, ये कॉन्ट्रेक्टर इस वक्त ऑफ है, और हमारा ये इंडिकेशन भी ऑफ है। ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड के बाद देख लीजिए दोस्तों, स्टार ऑफ हो गया, ये डेल्टा ऑन है, मेन हमारा ऑन है, इंडिकेशन जल गया। ये बिल्कुल सिंपल और नहायत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों। ये देख लें, ये 5 पॉइंट जो होते हैं कॉन्ट्रेक्टर के, 3 पावर के होते हैं, ये 2 ऑक्सिलरी होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये A1 A2 ये कॉइल के होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया कॉइल के। ठीक है, आपने इसी तरीके से करना कनेक्शन, जिस तरह मैंने ये दिखाया आपको ड्राइंग के अंदर, बिल्कुल नहायत ही आसान और सादा तरीके से दोस्तों। इस वीडियो पर मैंने काफ़ी मेहनत की है, अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कर लें और शेयर करें दोस्तों। अगर आप
अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टार डेटा दोस्तों वहाँ आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ 25 HP से ज़्यादा मोटर इस्तेमाल करते हो आप, क्योंकि इसकी लोड 5 to 7 times होता है। इस वजह से दोस्तों मोटर या फिर केबल डैमेज ना हो या कॉन्ट्रेक्टर डैमेज ना हो, इस वजह से बड़े मोटरों को कंट्रोल करने के लिए स्टार डेल्टा सर्किट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।